हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर एक नई ब्लॉग के साथ आप लोग को मैं वेलकम कर रही हूँ और सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ आपको वेलकम। और सुबह सुबह एक चाय की चुस्की नहीं हो तो हमारा एनर्जी ही नहीं होता है, इसीलिए मैं पहले चाय की चुस्की ले लेती हूँ। और आज एक फनी बात है, एक गंभीर बात है, एक फनी बात भी है। पहले तो मैं डर गई, उसके बाद तो मैं मतलब मुझे हंसी भी आया। और एक इंसिडेंट हुआ, मैं आज मंदिर में गई पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए गई तो हमारे मंदिर में मैं भोग लगाने गई तो जो हमारा मूंग दाल, मूंग होता है ना, मूंग का जो छिलका लगा हुआ मूंग को भिगो दी थी और उसको मैं भोग लगाती हूँ। पूजा करी, पूजा करने के बाद भोग लगाने के लिए मैं जब मूंग दाल को धोने के लिए रेडी हुई तो एकदम से छिलका ही था, मतलब चूहा कैसे खा लिए और मुझे इरिटेट आज कर दिए हैं। कहाँ कहाँ चूहा आता है, कहाँ मैं तो देख भी नहीं पाती, नहीं तो उसको भगाती हूँ नहीं तो मार ही देती हूँ। और आज एक भी और भी है, आप आगे सुनिएगा, देखिएगा, देखता नहीं पाओगे, सुनिएगा, मैं बताती जाऊंगी, मैं बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या मैं बोल रही थी। तो ये चाय की चुस्की ले रही थी और चूहा तो जो कर रहे हैं, ओ माय गॉड, चूहा को मैं क्या करूँ, सबको पर आप मतलब करोगे, चूहा को नहीं कर पाओगे। और उधर देखिए, जो मकड़ी जाल बुने थे उसको भी साफ कर रही थी, कितना भी करो ये मकड़ी का तो नहीं पारेंगे। मकड़ी, चूहा, ये छोटे छोटे जीव ना हमको परेशान करके रखते हैं, हमेशा परेशान करते रखते हैं। और ऊपर से गर्मी, गर्मी के कारण तो कुछ करने को नहीं मन कर रहा है। मेरा ब्लाउज वगैरह कुछ है, सिलाई करने को बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है, थकान होता है, कैसे करूँगी, गर्मी के कारण थकान होता है, इसीलिए मैं कुछ भी सिलाई भी नहीं कर पा रही हूँ इस गर्मी के लिए। तो ये मकड़ी जाल को साफ करी, उसके बाद मैं घर का थोड़ा बहुत काम हुआ और नहा लिया था। नहाने के बाद पूजा वगैरह करी तो वही भाई चूहा हमारा जो भी नुकसान कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं जी, तो चूहा को क्या बोलें। एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली में सब अच्छे हैं जी। आपके यहाँ गर्मी है कि नहीं बताइए हमको क्या हुआ पता नहीं, कैमरा एकदम से स्टॉप हो गया था। पहले वेलकम कर रही हूँ, वेलकम के बाद फिर ब्लॉग स्टार्टिंग हो जाएगा। देखिए रजनीगंधा फूल बगीचे में हुआ था तो मैं उसको कर दी हूँ। बगीचे में हुआ था हमारा रजनीगंधा फूल, उसको गजरा बना दी हूँ और बालों में भी लगा ली हूँ। तो ये बर्तन रख रही थी, बर्तन को हर चीज हम लेडीज का सारे हमारे एक एक पार्ट्स होता है। कितना भी आप अमीर हो, कितना भी क्या हो, ये सब तो हमारा पार्ट्स होता है लाइफ का। तो वो जो चूहा ना, चूहा खा लिए थे और मैं इतने खुशी से सोच रही थी ये करूँगी, शायद चूहा ही खा लिए। चूहा को मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, कहाँ इधर उधर चल जाता है पता नहीं। तो मैं वो डांस कर रही थी, एक आज मैं बनाई थी ना
तो ये डांस कर रही थी। तो ये चावल बैठा रही थी अकेले के लिए, बहुत कम ही चावल बना रही थी। और क्या होना, हाँ मैं आपको बताती हूँ। आज मुझे पता नहीं, मैं आफ्टरनून में थोड़ा सा टेंशन में थी। किसी वजह से शायद मैं टेंशन में थी। तो बातें होने के बाद मैं बहुत लेट में, नहीं तो कभी क्या क्या होता है ना, खाना खा लेती हूँ दोपहर का खाना, मतलब लंच कर लेती हूँ। तो लंच करने के बाद क्या होता है ना, आराम से मैं सो जाती। लेकिन आज मुझे नींद ही नहीं आया, टेंशन की वजह से नींद नहीं आया। तो मैं थोड़ा ऐसे फ्रेंड्स लोग के साथ फोन में बातें करने के बाद मैं सो गई। लगभग था उस टाइम 3:30 या 4 बजे। तो मैं सो गई। सोने के बीच क्या हुआ ना, मुझे सपना आया। क्या सपना आया, कहीं हम गए थे 3-4 जन, एक लेडीज था, उसका बच्चा भी हुआ था। तो पता नहीं उस लेडीज को, जिसका बच्चा है, उस लेडीज को मैं ब्लेड से ही इतना ज़ख्मी कर दिया कि वो मर गई। तो मुझे क्या हुआ ना, मैं डर गई, मतलब एकदम पुलिस के पास भी चला गया। तो मैं ये कपड़े भी सुखा रही थी, देखिए सब्जी कटिंग करी और कपड़े भी सुखा रही थी। कपड़े को आज ज़्यादा कपड़े नहीं था तो धो दिया ऐसे। तो उसके बाद क्या हुआ ना, सपना आया, लेट में उठी। लगभग आज 6:30 बजे, मैं इतने देर तक कभी नहीं सोती हूँ। आज पता नहीं क्यों ऐसे सब उठ कर देख रही हूँ कि अरे क्या है, मैं इतने देर तक सो गई और किसको मैं मार दी ऐसे सोच के। उठी, उठने के बाद देख रही हूँ कि अरे इवनिंग का टाइम है। मैं सोची तो ये सुबह का टाइम है क्या, मनी वक्त नहीं गई क्या ऐसे, मतलब ऐसे भगवान, बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ। जब मैं स्कूलिंग टाइम, उस टाइम ऐसा होता था कभी, जिस दिन संडे होता है उस दिन सो जाते हैं, तो ऐसा होता महसूस होता था। आज मुझे बहुत दिनों के बाद हुआ। तो कोई बाद में हंस कर थक रही थी और बेटी को बोली, तो बेटी भी हंसी, किसको मार दिया, वो भी ब्लेड से इतना जख्मी हुआ कि वो मर ही गई। हाय हाय, मैं तो एकदम से मानने वाला हो गई, क्या करूँ, ऐसा भी सपना आता है। एकदम से मैं जब उठी, उठने के बाद एकदम से चली गई। अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, तो मैं बगीचे में पानी देने के लिए चली गई। ये तो कपड़े तो सुखा ली, उसके बाद कुछ नहीं था तो वीडियो भी नहीं बनाई। क्या मैं वीडियो बनाऊँ, आज टेंशन भी थी ना, इसी वजह से कुछ वीडियो भी नहीं बनाई। और मेरा वो रजनीगंधा की जो गजरा भी देखिए है बगीचे में है, तो मैं उसको बना लेती हूँ। कोई शौक भी होता है, शौकीन, जो फूलों का शौकीन होता है ऐसे करते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद मैं सोकर उठी, उठने के बाद चली गई, चटपट चली गई और पानी दे दी बगीचे में। उसके बाद चाय बनाई, चाय लेकर चली गई। ऐसा ही हुआ आज हमारी ब्लॉग में, आज हम ऐसे ही हमारा दिन कटा, दिन भर का ये है। अभी इसके बाद मैं रात को, मैं क्या करें, शाम को कोई नाश्ता वगैरह नहीं लेती हूँ, एकदम जल्दी से 8:30 बजे तक मैं डिनर कर लेती हूँ। जल्दी ही डिनर कर लेती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। इवनिंग में कुछ भी मैं स्नैक्स वगैरह लेती हूँ ना, मुझे रात को कुछ भी खाने को मन नहीं करता है, डिनर करने का मन नहीं करता, इसीलिए एक ही टाइम में इवनिंग में चाय लेती हूँ, थोड़ा सा चाय लेती हूँ। चाय लेने के बाद कुछ बिस्किट वगैरह भी नहीं लेती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और एकदम रात से 8:30 बजे डिनर कर लेती हूँ।
डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद ही मैं वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ। चलिए ज़्यादा लंग वीडियो नहीं, इतना वीडियो को भी आप खूब सारा प्यार देते रहिएगा। और अभी मैं रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गुड बाय, नमस्ते नमस्ते, गुड बाय।